जय हिंद दोस्तों देखिए रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 दो यदि दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया है या फिर भरने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि 10 सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है जहां पर कट ऑफ इस बार बिल्कुल कम रहेगा ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म जो भरा रहा है दोस्तों किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ वहां पर कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट को आपको फाइट करना होगा किस जोन में सिलेक्शन होने का चांस आपका ज़्यादा है कहां पर कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है इस वीडियो में ए टू जेड हम बताएंगे क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी देखिए एकदम कंफ्यूज में है आपको हम एक चीज़ सबसे पहले बताते हैं ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जैसे देखिए कहीं पर आठ मतलब मान लेते हैं आम है ठीक है आठ आम है मान लेते हैं कहीं पर आठ आम है और कहीं पर नौ आम है समझ में आ गया और यहाँ पर खाने वाले जो लोग दौड़ते हैं चालीस लोग दौड़ गए कि हम इस आठ आम को खाएंगे ठीक है चालीस लोग दौड़ गए और यहाँ पर नौ आम है और यहाँ पर तिरसठ लोग दौड़ गए खाने के लिए कि हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे अब आप मुझे सोच करके बताइए दोस्तों कि कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर ज्यादा है या फिर यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर आठ आम है खाने वाला दौड़ गया है चालीस आदमी और यहाँ पर नौ आम है खाने वाला दौड़ गया है तिरसठ आदमी तो कंपटीशन कहाँ ज़्यादा रहेगा तो देखिए इसको यदि हम भाग देंगे तो एक आम पर जो कंपटीशन है वो पांच लोग यहाँ पर एक आम पर फाइट करेंगे ठीक है आठ पंच चालीस और यहाँ पर यदि उसको डिवाइड करेंगे तो नौ सत्र तिरसठ यानी एक आम पर सात लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं तो कंपटीशन कहाँ पर ज्यादा हो गया कंपटीशन आपका यहाँ पर ज्यादा हो गया ठीक है यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा भाग गए सीट भी यहाँ पर ज्यादा था लेकिन लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भाग गए अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि देखिए समझिए कहीं पर तेरह वैकेंसी खाली है ठीक है कहीं पर थर्टीन सीट खाली है और लोग अप्लाई कर दिए हैं बावन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भर दिया तेरह वैकेंसी है बावन लोगों ने फॉर्म भर दिया और कहीं पर पच्चीस वैकेंसी है और एक सौ लोगों ने फॉर्म भर दिया ध्यान से देखिए तो अब आप मुझे बताइए कि कंपटीशन कहाँ पर ज्यादा है देखिए तेरह वैकेंसी था बावन लोगों ने फॉर्म भर दिया तो एक सीट के लिए कितना स्टूडेंट लड़ रहा है, है यहाँ पर चार स्टूडेंट तेरह चौका बावन और यहां पर पच्चीस वैकेंसी खाली है और सौ लोग अप्लाई कर दिए हैं तो एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन है यहां भी चार लोग फाइट करें तो दोनों में दोस्तों कंपटीशन क्या हुआ बराबर हो गया तो इसी को कहते हैं कि कहां कंपटीशन कम है कहां कंपटीशन ज्यादा है तो यहां पर देखिए ना कि दोनों में आपका कंपटीशन बराबर हो गया यहाँ पर सीट कम था यहाँ सीट आपका ज़्यादा था यहाँ पर इतना लोग भर दिया था यहाँ पर इतना लोग भर दिया था तो बेसिकली हम आपको ये समझाना चाहते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि देखिए कहीं पर यदि देखिए कहीं पर यदि सीट कम है तो वो सोचता है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि सोच आप सोचेगा इतना कम सीट है हम नहीं भरेंगे कोई नहीं भरेगा वहाँ लेकिन आपको पता है कि वहीं पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और कहीं पर यदि मान लेते हैं कि 400 वैकेंसी है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर बाप रे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ही आपको कंफ्यूज हो रहे हैं आप कंपटीशन यहां पर ज्यादा होता है और यहाँ पर कंपटीशन कम होता है हम आपको ए टू जेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं तो देखिए दोस्तों सबसे सेफ जो दस जोन है उसको पहले हम बताते हैं इसके बाद आपको पूरा सब के बारे में बताएंगे ठीक है तो सबसे पहला हम चलते हैं चेन्नई की तरफ देखिए चेन्नई कहाँ पर है आठ वैकेंसी है यहाँ पर कितना है एट अप्लाई करने वाले स्टूडेंट लगभग यहाँ पर अट्ठाईस के आसपास स्टूडेंट अभी तक फिलहाल फॉर्म भर दिए ये अप्रॉक्स डेटा बता रहे हैं ठीक है अभी तक इतना स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर दिए यदि पर सीट फाइट देखेंगे ना तो एक सीट के लिए लगभग चौंतीस स्टूडेंट यहाँ पर लड़ रहा है एक सीट पर थर्टी फोर स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं तो इस जोन में दोस्तों चेन्नई जोन में फिलहाल अभी कंपटीशन सबसे कम है लास्ट लास्ट में क्या होगा ये हम फिर आपको वीडियो बना के देंगे फिलहाल अभी यहाँ से जो जो विद्यार्थी फॉर्म भर दिए हैं या फिर नहीं भरे तो आप यहाँ से भर सकते हैं यहाँ पर एक सीट के लिए कॉम्पिटिशन बहुत कम है दूसरा जो सबसे सेफ जोन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो है हमारा सिकंदराबाद देखिए सिकंदराबाद जो, जो जोन है दोस्तों यहाँ पर टोटल सात चवालीस वैकेंसी है और यहाँ पर अप्लाई कर दिया अट्ठाईस हज़ार तीन सौ बहत्तर अट्ठाईस हजार तीन सौ बहत्तर लगभग स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं और आपका पर सीट जो कंपटीशन है दोस्तों वो आपका अड़तीस स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहा है एक सीट के लिए ठीक है तो चेन्नई के बाद यदि दूसरा कोई सेफ जोन है तो वो है सिकंदराबाद ठीक है अब हम आपको बताते हैं अगला जो जोन है दोस्तों जो कि कम कंपटीशन है वो है कोलकाता कोलकाता में देखेंगे 506 सीट है देखिए 506 सौ वैकेंसी है और यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं चौबीस ठीक है ,532, इतने स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर दिए हैं प्रत्येक सीट पर कंपटीशन लगभग आप हैं चालीस स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं कंपटीशन ये देखिए वैकेंसी मत देखिए कितना कहाँ ज़्यादा है कितना कहाँ कम है ठीक है कंपटीशन देखिए कि कहाँ पर एक सीट के लिए ज्यादातर स्टूडेंट लड़ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर चौंतीस का कॉम्पिटिशन है यहाँ पर अड़तीस का कॉम्पिटिशन है यहाँ पर चालीस का कॉम्पिटिशन अभी हम आपको बहुत सारा डेटा बताएंगे अब हम दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं अगला जो जोन है बिलासपुर कहाँ है बिलासपुर तो दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर में आप देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पर दोस्तों आठ सीट है आठ सौ है टोटल स्टूडेंट भर दिए हैं सैंतीस हजार इक्नवे लगभग अभी तक ठीक है पर सीट कंपटीशन 43 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं फोर्टी थ्री ठीक है इसके बाद अगला है मुंबई मुंबई में दोस्तों बारह सौ चौरासी वैकेंसी है और यहाँ पर पचपन हजार से स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं पचहत्तर पचपन हजार पचहत्तर प्लस ठीक है यहाँ पर लगभग यहाँ भी 43 का कॉम्पिटिशन है प्रत्येक सीट पर फोर्टी स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अब दोस्तों अगला जो, जो जोन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो है गुवाहाटी गुवाहाटी कहाँ पर है देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों कितने छः सौ चौबीस वैकेंसी है ठीक है अप्लाई करने वाले अट्ठाईस हज़ार तीन सौ अभी तक फिलहाल जो डेटा निकल के आ रहा है ठीक है और यहाँ पर कंपटीशन जो है दोस्तों आपका लगभग यहाँ आपका पैंतालीस स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए फोर्टी फाइव स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अब जो अगला जोन हम आपको बताते हैं जो कि सेफ जोन है वो है दोस्तों मालदा जोन मालदा कहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो दो वैकेंसी है देखिए दो वैकेंसी है अप्लाई किए हैं तेरह इतने स्टूडेंट अप्लाई कर दिए हैं एक सीट पर कंपटीशन लगभग 48 स्टूडेंट यहां पर फाइट कर रहे हैं ठीक है ये सब सेफ जोन है जहां कंपटीशन कम है अभी हाई कंपटीशन भी हम आपको बताएंगे अगला जो जोन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगला है तिरुवनंतपुरम देखिए तिरुवनंतपुरम में दो वैकेंसी है ठीक है और यहाँ पर फॉर्म भर दिए हैं तेरह हजार नौ सौ साठ स्टूडेंट लगभग फॉर्म भर दिए हैं ठीक है और यहाँ पर पर स्टूडेंट फाइट देखेंगे तो लगभग पचास विद्यार्थियों को आपको बीट करना होगा एक सीट पाने के लिए ठीक है ये हो गया सेफ जोन अब दोस्तों अगला जो जोन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो है आपका अजमेर अजमेर में देख सकते हैं अजमेर में आपका 522 वैकेंसी है 522 सीट है और यहाँ पर सत्ताईस हजार सौ अंठावन स्टूडेंट लगभग फॉर्म भर दिए हैं और प्रत्येक सीट के लिए फाइट दोस्तों यहाँ पर तिरपन लोगों को आपको बीट करना होगा तिरपन का यहाँ पर कंपटीशन आपका यहाँ पर रहने वाला है अगला जो सेफ जोन है दोस्तों वो है अहमदाबाद अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पर सात सौ इकसठ सीट है ठीक है अप्लाई करने वाले स्टूडेंट है बयालीस हज़ार छः सौ अट्ठाईस पर सीट पर यदि फाइट देखेंगे तो छप्पन स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए ठीक है दोस्तों तो और अगला एक हम आपको जोन बता देते हैं वो है भोपाल जोन भोपाल जोन में चार सौ बावन वैकेंसी है देखिए और यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई किए हैं पच्चीस हजार नौ सौ तेरह स्टूडेंट फ मतलब फॉर्म भर दिए हैं और यहाँ पर पर सीट जो है दोस्तों आपका लगभग कंपटीशन सन मान के चलिए कि उनसठ साठ के आसपास यहाँ पर कंपटीशन है ठीक है तो यहाँ भी अच्छा खासा कंपटीशन है तो यहाँ पर हम आपको जो 10, 11 जोन बताए जैसे कि चेन्नई जोन एक नंबर हो गया इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा हम बताएं तिरुवन सिकंदराबाद इस तरह से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और यहाँ पर